कि उठ जाग पै नींद चो चिरा तो सुते गाफला गाफल कहिंदे बहुत सुस्त आदमी नू उठ जाग पै नींद चो चिरा तो सुते गाफला बलदी शमा वल तुर पिया पतंगियां दा काफला। आप सारा सिस्टम वगाड़ के ते पुलिस नू तुसी कह रहे हो कि इनू कंट्रोल करे, आवाज भी तुसी दबाउण दी कोशिश करदे हो कि तुहाडे खिलाफ को आवाज भी ना चुके। इस तरीके तुहाडा सिस्टम ते तुहाडा सूबा नहीं सुधर सकता। मान साहब ते केजरीवाल साहब यह बयान जिहड़े पुलिस सरकार दिंदी है ना, इन्हां दा लोकां ने मजाक डाउणा शुरू कर दिता। लोग थल्ले तुहानूं लिखदे पता की आ, जदों तुसी नशा ते गैंगस्टर खत्म करन दीआं गल्लां करदे हो ते लोग तुहाडा मजाक उडाउंदे ने कि तुहाडे कोलों ते अजे तक चाइना डोर नहीं खत्म होई पंजाब दे विच, फिर तुसी नशा कित्थों खत्म कर लोगे। रेत पंजाब दे विच अज सब तों महंगी है, रेत बंद है। मैं अगे भी एक दिन खलो के ट्रालियां दे बाहर कहा सीगा कि रेत दे नाल मजदूर शटरिंग वाला रंग रोगण वाला बिजली वाला पत्थर वाला लक्कड़ वाला रेड़े वाला रिक्शे वाला वो सारे लोग जुड़े ने, वो सारे वेले हो गए। वजे बेरंगी गुलजार कहूँ या ना कहूँ, कौन कितना है गुनहगार कहूँ या ना कहूँ। वो ADC को लसेंस बनाउन जांदा और ADC अगों नूं कहिंदा कि परमात्मा बैठा जे तू मरना आया तो मर ही जाना, जे तू नहीं तेरी आई तो फिर तू नहीं मर सकता, कोई पिस्तौल ने तेनों बचा नहीं लेना। तुहाडे लोकां कोल जे लोक आस नाल जांदे ने ना तो उन्हां लोकां नूं भी मैं कहना चाहुंदा तो मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा, तुसीं ओह हालात बना दिते कि बारूद के ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछती है। पुलिस मुलाजम नूं गोली लगी होवे, सारे अफसर उहदे नाल गए होण ते फिर हस्पताल अपनियां इन्नियां मनमानियां करन, इन्नी लुट खसुट करन, फिर इहदी किहदी छत्तर छाया दे विच है। सरकार इह स्पष्ट ते करे कि ये जिहड़े प्राइवेट हस्पताल आ प्राइवेट स्कूल है हुण किहदी छत्तर छाया दे हेठ चल रहे आ। इन्ने बच्चे बाहर जाना, इन्ना व्यापारियां दा डरे होना, इन्ना व्यापार बाहर जाना, एक जिहड़ा इशारा एक मतलब सिग्नल आ जिहड़ा कि पंजाब दे तबाह होण दा। इहदे लई किसे शायर ने बहुत खूब लिखिया कि जे अजे भी ना समझे कि ये एक इशारा है, ये एक इशारा है आफते नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। सरकार एक गल चंगी तरह समझ लवे जिहड़ी मैं अज एक गल कहनी चाहुंदा और मैं बार बार ये गल कहना कि क्राइम गैंगस्टर ते नशा सरकार की प्रायोरिटी ते है ना, इन्हां दोवां नूं पुलिस कल्ली खत्म नहीं कर सकती। तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, तुसी नशा जिहड़ा ट्रालियां भर भर के फड़ लो, उहनूं साड़ दिओ फड़ी जाओ, गैंगस्टर बसां भर भर के मारी जाओ, ये तुहाडे खत्म दोवें नहीं मुक सकदे। जिन्ना चिर बच्चों नूं रुजगार नहीं मिलता, जिन्ना चिर बच्चों नूं इज्जत मान की रोटी नहीं मिलती, सिस्टम दे विच सुधार करन दी लोड़ है। होर किन्नियां क जानां जिहड़ियां उह जाणगियां, चाहे वह कारोबारियां दे रूप च होण, चाहे वह गैंगस्टर दे रूप च होण, चाहे वह नशे दे नाल जिहड़ियां जानां जांदियां ने, किन्नियां क जानां ते किन्नी क जिहड़ी जवानी आ उह पंजाब दी बर्बाद अजे होर होणी आ। इहदे विच सिस्टम कित्थे जिम्मेवार सीगा, उन्हां वल्लों की कुताइयां होईआं। जे मैं कह लवां ना कि किनू किनू गुनाहगार कहां मैं, वजे बेरंगी गुलजार कहूँ या ना कहूँ, कौन कितना है गुनहगार कहूँ या ना कहूँ। जो होया उन्हां नालों जिन्हां हालातों चों निकले आ वह मैं तुहानूं दसण लगा कि जिन्हां दे भरोसे दे विच जिन्हां अफसरां ने उन्हां नूं गंभीरता नाल नहीं लिया, जिन्हां दे करके उन्हां दी जान गई, जिन्हां जिन्हां दे भरोसे दे विच उह आ गए ते उन्हां दी उन्हां नूं मौत दा जिहड़ा सामना करना पै गया, उन्हां दी किते जिम्मेवारी तय होगी जां अगों वी किते इन्हां चीज़ां दे उत्तों सबक लिया जाऊगा। हुण मैं दसण लगा कि जो जो उहदे नाल उन्हां दिनां दे विच होया, टिम्मी जिहड़ा उह ADC कोल जांदा, जिहड़े जलंधर दे ADC ने अपना लाइसेंस बनाउण लई अपने दोस्त दे नाल, ते कल उहदे दोस्त ने जो मैनूं दस्सिया ते बहुत ज़्यादा उह शर्मनाक है उस ADC वास्ते भी, उह ADC कोल लसेंस बनाउण जांदा और ADC अगों उहनूं कहिंदा कि परमात्मा बैठा जे तू मरना आया तो मर ही जाना, जे तू नहीं तेरी आई तो फिर तू नहीं मर सकता, कोई पिस्तौल ने तेनों बचा नहीं लेना। मैं भी कहना कि पिस्तौल उन्होंने बचा नहीं सी सकता, जिहड़ा उन्होंने मारन की नीत नाल ही आ गया, उन्होंने कोई पिस्तौल कढ़न का किसी ने मौका भी नहीं सी देना। पर जिहड़े ADC वल्लों उन्होंने ये शब्द वरते गए ये बेहद घटिया ते अगले का दिल तोड़न वाले सीगे। उस तो बाद वारी वारी जाके SSP को दुहाई दिंदा रहा, पहला तीनों नू गनमैन दिते, फिर हौली हौली जो मौत हुई वो एक गनमैन रह गया सीगा, कुछ वो जिहड़े दो गनमैन ने वापस लै ले गए। SSP नू उहने इत्थों तक रिक्वेस्ट की कि मैं पंजाब छड्ड जावां, मैं पंजाब नू छड्ड के चले जावां। ये भी मैनू पता लगा कि किते ना किते उहदी पैसे की भी उहनां नाल सैटलमेंट होण नू तैयार सीगी, पर अफसरां दे भरोसे च आके उहने उहनां दा भरोसा रखने लई कोई पैसे नहीं दिते ते जिहड़ा उह मौत दे मूँह दे विच चले गया। जिहड़े थल्ले पुलिस अफसरां दे कोलों जांदा रहा उन्हूं कहिंदे रहे कि उपर मिलो जाके, मतलब ये कि उन्हूं सीरीयसली किसी ने लिया ही नहीं, सिर्फ फॉर्मैलिटी की गई जिवें बाकी
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਲੋਕ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰੂਦ ਕੇ ਢੇਰ ਪੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਲੋ ਸੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਾ ਹੁਨਰ ਪੁੱਛਤੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕਿ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਔਰ 8.25 ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 8.25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ MO ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 95% ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। 95% ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ, 1,70,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2,30,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 20,000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਡ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ? ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ 5-7-10,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 2,50,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੌਫ 'ਤੇ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਤੁਮ ਦੋਸ਼ ਛੁਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਤੁਮ ਦੋਸ਼ ਛੁਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੋਂ ਦਰਪਣ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰੇ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਯੇ ਏਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਆਫਤੇ ਨਾਗਹਾਨੀ ਕਾ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਪਰਿੰਦੋ ਕਾ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਆ
और डरते किसी के नाल गल भी नहीं करते, चुप चुपीते ही पैसे दे देंगे आ, ते जेड़े नहीं देंगे उन्हों का हाल तुसी देख लो भी की हो रहा। लोग डरे हुए ने, व्यापारी डरे हुए ने, इत्थे ते आम ही कहा जाता भी जिथे क्राइम घटूगा उत्थे व्यापार वधूगा, पर इत्थे जिहड़ा क्राइम वध रहा ते व्यापार घट रहा, ते जे व्यापार वधूगा ते उहदे नाल जे क्राइम भी घटूगा ते उहदे नाल नशा भी घटूगा। इन्हां चीज़ां दे नाल तुसी दे अपने सूबे का सुधार कर सकते हो। व्यापारी इत्थे डरिया महसूस करता, व्यापारी इत्थे काम करन नूं तैयार नहीं, ते ना ते इत्थे क्राइम घटना ते ना इत्थे जिहड़ा उह नशा घटना वा। और सरकार एक गल चंगी तरह समझ लवे जिहड़ी मैं अज एक गल कहनी चाहुंदा, और मैं बार बार यह गल कहना कि क्राइम गैंगस्टर ते नशा सरकार की प्रायोरिटी ते है ना, इन्हां दोवां नूं पुलिस कल्ली खत्म नहीं कर सकती। तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो, तुसी नशा जिहड़ा ट्रालियां भर भर के फड़ लो, उहनूं साड़ दिओ, फड़ी जाओ। गैंगस्टर बसां भर भर के मारी जाओ, ये तुहाडे खत्म दोवें नहीं मुक सकते। जिन्ना चिर बच्चों नूं रुजगार नहीं मिलता, जिन्ना चिर बच्चों नूं इज्जत मान की रोटी नहीं मिलती, मैनू अज किसी बहुत सीनियर सिटीजन चंडीगढ़ चो रेंदे ने और बहुत अमीर आदमी ने, वह बजुर्ग ने, मतलब उन्हां दा एक मैनू मैसेज आया अज और मेरे फोन दे विच है, उहदे विच उह कहिंदे ने कि पंजाब दा डीजीपी इन्ना इमानदार है, इन्ना काबिल है, फिर भी यह सिस्टम जिहड़ा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, पंजाब दे विच क्राइम क्यों नहीं घट रहा, पंजाब दे विच नशा क्यों नहीं घट रहा। उन्हां लई मैं एक गल उन्हां नूं भी दसी है ते मैं सरकार नूं भी दसणी चाहुंदा कि सीएम ते डीजीपी इन्हां नूं जॉइंट पॉलिसी बनाउणी पऊगी। बच्चों काम किस तरह दिता जा सकता, बच्चों नूं होर पासे लाया किस तरह जा सकता, पर इत्थे सरकार जिहड़ी आ वह राजकता फैला रही है, वह भुखमरी फैला रही है, तो आस करती है भी पुलिस सारे मतलब काम कर दे, साडे ठीक कर दे, काम सारे बंद आ। मेरी गल शायद तुहानू सारयां नू हासू ही नहीं लगेगी, पर इहदे रिजल्ट जिहड़े आने वाले दिनों दे विच तुहानू भुगतने पैणगे। रेत पंजाब दे विच अज सब तो महंगी है, रेत बंद है। मैं अगे भी एक दिन खलो के ट्रालियां दे बाहर कहा सीगा कि रेत दे नाल मजदूर, शटरिंग वाला, रंग रोगण वाला, बिजली वाला, पत्थर वाला, लक्कड़ वाला, रेहड़े वाला, रिक्शे वाला, वह सारे लोग जुड़े ने, वह सारे वेले हो गए। घर दियां जरूरतां पूरियां करन लई माड़ा चंगा काम वह कर रहे आ, माड़े कामां वल कईआं दा ध्यान जा रहा, थोड़े थोड़े पैसों दे नाल उन्हां नूं वरगलाया जा रहा, गलत काम उन्हां कोलों कराए जा रहे आ। हुण तक जिन्ने भी क्रिमिनल फड़े आ, जिन्हां ने वड्डियां वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता, उन्हां नूं गैंगस्टर जिहड़ा नाम दिता जांदा है, वह किन्ने क अमीर फड़े आ, तुसीं अज उन्हां सारयां दी डिटेल करो, घरी पत्रकार भी जाके लैके मतलब आ सकदे आ कि किन्ने क अमीर आ और किन्ने क पैसे लैके उन्होंने सारे काम किए, सारा घोखण ते इहदे उत्ते विचार करन दी लोड़ है। आ तरन तारण दे विच वी जिहड़ा परसों हमला आया रॉकेट लांचर दे नाल, अज एक चैनल चला रहा सीगा जे मैं कितें गलत ना वां कि वह ढाबे ते बंदे बैठे गल्लां करदे सी, जिहड़ा कोई पुलिस नूं क्लू मिल रहा, उहदे विच तीन हिंदी बोलण वाले सीगे ते इक पंजाबी सीगा, अखीर वह फड़े जाने ने, उन्हां दे विचों भी पता लग जाना भी कौन किन्ने क अमीर सीगे और किन्ने क पैसों लई उन्होंने काम किया। सब महात्तड़ घरां दे विचों ने जिन्हां ने इन्हां कम्मां नूं अंजाम दित्ते, जिन्हां दे घर रोजी रोटी नहीं चलदी, जो थोड़े बहुत फड़े भी आ, जो वड्डे घरां दे होणगे उह किते सिस्टम दे सताए होणगे जां उन्हां नाल कोई वधीकी होई होगी। गैंगस्टर ते नशा खत्म करन वाले ये बयान जिहड़े पुलिस सरकार दिंदी आ ना, इन्हां दा लोकां ने मजाक उड़ाउणा शुरू कर दिता। लोग थल्ले तुहानूं लिखदे पता की आ, जदों तुसीं नशा ते गैंगस्टर खत्म करन दीआं गल्लां करदे हो ते लोग तुहाडा मजाक उड़ाउंदे ने कि तुहाडे कोलों ते अजे तक चाइना डोर नहीं खत्म होई पंजाब दे विच, फिर तुसीं नशा कित्थों खत्म कर लोगे, फिर तुसीं गैंगस्टर कित्थों खत्म कर लोगे। फिर ये तो हो नहीं सकता कि सरकार लोगों को काम भी ना दे ते जिहड़ा हैगा उहनूं भी तबाह करी जाए ते लोग क्राइम ना करन, ये दो चीज़ां चलणियां नहीं। आप सारा सिस्टम वगाड़ के ते पुलिस नूं तुसीं कह रहे हो कि इहनूं कंट्रोल करे, आवाज़ भी तुसीं दबाउण दी कोशिश करदे हो कि तुहाडे खिलाफ कोई आवाज़ भी ना चुके। इस तरीके तुहाडा सिस्टम ते तुहाडा सूबा नहीं सुधर सकदा। मान साहब ते केजरीवाल साहब, लोकां दी आवाज़ तुसीं दबा नहीं सकदे, जे इहनूं ज़्यादा दबाउण दी कोशिश करोगे ते इह बगावत बण के लोकां दे विच उभर पैणी है, जिवें बेअदबी वेले उभरी सीगी। सो इह गल्लां ना करो कि लोक मारे भी जाण ते लोक तड़फण भी ना, लोक अपनी आवाज़ भी ना चुकण। तुसीं ते उह हालत कर रहे हो कि ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, घुट घुट के मर जाओ, यही मर्जी है मेरे सयाद की। सो मैं तुहानूं फिर एक बेनती करना, इस सब ते तुहानूं मिल के काम करना पैना, तुहानूं डीजीपी दे नाल सीएम नूं आपो अपना जिहड़ा रोल अदा करना पैना वा। सरकार अपना फर्ज निभावे, लोगों को काम कर दे ते पुलिस अपना फर्ज निभावे। हुण तक मेरा ख्याल 50 तो उपर जिहड़े कतल हो चुके आ फरौतियां दे करके जां आपसी मुठभेड़ करके, आपसी लागतबाजी दे नाल जिहनूं आपां गैंगस्टरां दा नां दे दिंदे आ,
छेती तो छेती ये नीति बनाने की लड़ है, नहीं तो ना पंजाब बचे तो अगे ही नहीं बचे। जे काम कार भी ना बचा तो फिर इस सूबे की तुसी इलैक्शन कराओगे, की तुसी जितोगे, की मतलब ये उत्ते तुसी राज करोगे, ये उत्ते एक जॉइंट जी तुहानू रल के काम करना पैना पुलिस नू ते सरकार नू, इहदे उत्ते पॉलिसी बनानी पैनी आ। मैं अखीर च फिर तुहानू कहिंदा मार मार के ते फड़ फड़ के तुहाडे कोलों नशा कुछ भी खत्म नहीं होना, बच्चों इज्जत माण वाली रोटी देनी पैनी आ। और छेती तो छेती जे सरकार जागे, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, पता नहीं केड़ी साजिश इहदे पिछे काम कर रही है, इहनू फेल करन लई तुहानू बच्चों काम देना ही पैना। मैं दो लैणा कह के